अस्सलाम वालेकुम, आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? अ स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। व्हेन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द एक्सप्रेशन इज फर्स्ट इवैल्यूएटेड देन द रिजल्ट इज असाइंड टू द वेरिएबल टू द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। होता क्या है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट वो होती है जो कि किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देती है। जब एक असाइनमेंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो पहले जो एक्सप्रेशन होता है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। लाइक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, ए और बी अब इसमें क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, प्लस इसमें ऑपरेटर है जो इन पर अप्लाई किया जाएगा, और रिजल्ट जो है जैसे हमारे पास लिखा हुआ है सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो एक्सप्रेशन है पहले उसको इवैल्यूएट किया जाएगा एंड देन जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल मौजूद होगा सम, उसको वो रिजल्ट असाइन कर दिया जाएगा। किस के थ्रू? असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू। अगर आप इसका सेंटेंस देखो तो क्या होता है, वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन, यहाँ पे वेरिएबल जैसे हमने बोला सम इक्वल, यहाँ पे क्या है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, अ कांस्टेंट वेरिएबल आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बन जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन, और यहाँ पे असाइनमेंट का जो सिंबल, इक्वल का जो सिंबल यूज़ होगा वो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और लेफ्ट साइड पे हम कोई भी यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे जो कि रिजल्ट को होल्ड कर लेगा कैलकुलेशन के आफ्टर। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है ए इक्वल टू 100, तो 100 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि असाइन हो गई है वेरिएबल ए को। सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसमें ए और बी ऑपरेंड्स हैं, प्लस यहाँ पे ऑपरेटर है, और रिजल्ट किसको जाएगा, सी को। देन हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल है जिसमें है एक्स इक्वल टू सी माइनस डी प्लस 10। 10 यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है और सी और डी यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो इन तीनों का जो रिजल्ट होगा उसको कंबाइन किया जाएगा और वह असाइन हो जाएगा असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू वेरिएबल एक्स को, दैट इज़ ऑन लेफ्ट साइड। देन हम देख लेते हैं एल वैल्यू क्या होती है, आर वैल्यू क्या होती है। An L value is an operand that can be written on the left side of assignment statement, assignment operator. An R value is an operand that can be written on the right side of assignment operator. Left side पे जो होता है वो होती है L value, और right side पे assignment operator के जो कुछ लिखा जाता है वो होती है R value. L value must be variable, R value can be any expression. यानी लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होता है जो कि रिजल्ट को होल्ड करता है, और राइट साइड पे आप कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। तो जो एल वैल्यू होती है कैन बी आर वैल्यू, बट आर वैल्यू कांट बी कैन एल वैल्यू। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, जैसे है डिस्टेंस इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, एल वैल्यू है, और जो आगे हमने फार्मूला लगाया है दो वेरिएबल्स पे रेट एंड टाइम पे वो बन गया आर वैल्यू। ऑल एल वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यू, बट ऑल आर वैल्यूज कांट बी यूज्ड एज एल वैल्यू। जैसे यहाँ पे गिवन है एक्स इक्वल टू 5 इज़ वैलिड, बट 5 इक्वल टू एक्स इज़ नॉट वैलिड। यानी अगर कोई कांस्टेंट है हमारा तो उसको कभी भी हम लेफ्ट साइड पे लिख नहीं सकते, राइट साइड पे हम कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे हम हमेशा वेरिएबल्स ही यूज़ करते हैं। या अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन को कभी भी हम लेफ्ट साइड पे नहीं लिख सकते, लेफ्ट साइड पे सिंगल वैल्यू लिखी जाती है जो कि रिजल्ट्स को होल्ड करती है। जैसे है सी इक्वल टू ए प्लस बी, दैट इज़ वैलिड, बट ए प्लस बी इक्वल टू सी इज़ इनवैलिड। सो ये हमारे पास बेसिकली एल वैल्यू एंड आर वैल्यू लिखने का मेथड होता है, या फिर इसको आप रूल भी कह सकते हो। देन हमारे पास आ गया कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। यानी एक सिंगल वैल्यू अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को असाइन कर देते हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसका सेंटेंस क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर आप लिखते हो, इक्वल उसको आप यूज़ करते हो स्टेटमेंट में। जैसे एग्जांपल है इसकी ए इक्वल बी इक्वल 10, यानी ए भी इक्वल टू 10 है एंड बी भी इक्वल टू 10 है। असाइंस द वैल्यू 10 टू बोथ ए एंड
बी. सो दैट इज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर अब यहाँ पे क्या होता है वो होगी स्टेटमेंट. देन अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अर्थमेटिक ऑपरेटर. यानी असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल है और अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि प्लस माइनस डायरेक्ट पर हैं, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाएगी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस मोर इजीली. सर इसका देखें तो वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल टू एक्सप्रेशन. अब वेरिएबल ऑपरेटर यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल टू असाइन अ वैल्यू, वो वेरिएबल जिसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं. ऑपरेटर यहाँ पे क्या होगा, सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैन बी अर्थमेटिक ऑपरेटर. और एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा, कैन बी अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. इसकी एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे है प्लस इक्वल. एग्जाम्पल क्या है, ए प्लस इक्वल टेन, तो ये इक्वलेंट किसकी है, ए इक्वल टू ए प्लस टेन. माइनस इक्वल ए माइनस इक्वल टेन, ये किसकी इक्वलेंट है, ए इक्वल टू ए माइनस टेन. इसी तरह स्टेरिक इक्वल अगर है ऑपरेटर तो ये एग्जाम्पल में है ए स्टेरिक इक्वल टेन, किसकी इक्वलेंट है, ए इक्वल टू ए स्टेरिक टेन. इसी तरह स्लैश को यूज़ किया जाता है एंड मॉड को यूज़ किया जाता है. तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने का बेसिकली मेथड है. प्रोग्राम है 9.3. राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस ऑन एन इंटीजर वेरिएबल. हेडर फाइल सबसे पहले इंक्लूड करनी है stdio.h एंड conio.h. मेन का फंक्शन स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग डेलिमीटर लगानी है. देन हमने लिखना है इंट ए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि हमने एक इंटीजर वेरिएबल लेना है. सो इंट ए, और इसको इनिशियल वैल्यू क्या यहाँ पे असाइन की गई है, ए इज इक्वल्स टू 10. देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है हमने वो डिस्प्ले करवा देनी है. उसके लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए परसेंट डी स्लैश एन कॉमा ए. परसेंट डी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है. स्लैश एन यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है न्यू लाइन के लिए, यानी नेक्स्ट जो आउटपुट हमारी आएगी वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होनी चाहिए. तो फर्स्ट यहाँ पे ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी है, वैल्यू ऑफ ए 10. देन यहाँ पे अगला जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है दैट इज़ प्लस इक्वल. सो ए प्लस इक्वल 5. अब ए की वैल्यू क्या थी, 10. प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल टू 5, तो वो यहाँ पे आ चुकी है आउटपुट में 15. नेक्स्ट हो रहा है ए माइनस इक्वल टू 5, यानी अब जो 15 वैल्यू है उसमें से माइनस हमने क्या कर देना है, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10. नेक्स्ट क्या है, ए स्टेरिक इक्वल टू, अब जो 10 वैल्यू है ए की उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 20. नेक्स्ट ए स्लैश इक्वल 2, यानी 20 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे डिवीजन का आंसर आ जाएगा 10. लास्ट इसमें क्या है, ए मॉड इक्वल टू. मॉड के लिए ये रूल होता है कि जब इसको यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लिखा जाएगा तो मॉड 2 टाइम्स लिखा जाता है. यहाँ पे लिखा गया है वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मॉड मॉड इक्वल 2, तो जो इसका मॉड लिया गया था 2 से डिवीजन के बाद वो फुली इस पर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. लास्ट हम गेट सी एच का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड एंडिंग डेलिमीटर से मेन के फंक्शन को क्लोज कर देंगे. सो इस तरह कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इंटीजर वेरिएबल पे अप्लाई किए जा सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड सी एस डिपार्टमेंट.